Return Outlook। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। कमेंट सैक्शन दे विच वाहेगुरु टाइप करके फतेह कबूल करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी अपने सुझाव अते सवाल भी कमेंट कर सकते हो। तुहाडे सुझावां दे उत्ते काम करन दी अते तुहाडे सवालां दे छेती तो छेती जवाब देन दी पूरी कोशिश की जाएगी। गौड़ी महला पंजमा। जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया आत्म प्रगास। जो उस हरि दे दास हन, जो उस परमात्मा दे सेवक हन, वो उच्चा आत्मक अवस्था हासिल कर लेंदे हन, जीवन पदवी हासिल कर लेंदे हन। ते जदों असी उन्हां नूं मिलदे हाँ, जिन मिलिया आत्म प्रगास, ते साडी भी आत्मा दे विच चानण हो जांदा है, साडी आत्मा दे विच भी ज्ञान दा चानण हो जांदा है। हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावै हर द्वार प्राणी रहाओ। इत्थे साडे मन नूं हदायत कीती गई है कि हे मेरे मन, कन्नां दे नाल उस हरि दा सिमरन सुन, उस परमात्मा दा नाम सुन। इस प्रकार तू उस परमात्मा दे द्वार ते सुख प्राप्त करेगा, उहदी दरगाह दे विच सुख प्राप्त करेगा। आठ पहर ध्याइया गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। सानू अठे पहर उस परमात्मा नू ध्याउणा चाहिंदा है, साडे चेते दे विच ओह परमात्मा हर वक्त रहना चाहिंदा है। इस प्रकार साडा मन जो है खिड़िया रहिंदा है, असी निहाल होए रहिंदे हाँ। जदों असल दे विच साडा उस परमात्मा दे नाल प्यार पै जांदा है ना, तां अठे पहर ओह साडे चेते दे विच रहिंदा है, ते इस गल नू समझ के असी अठे पहर खुश रहिंदे हाँ, असी आनंदित रहिंदे हाँ। दुख तकलीफां साडे नेड़े व्यापदियां नहीं, असी सदा ही फिर निहाल रहिंदे हाँ। गौड़ी महला पंजमा। सांत भई गुर गोविंद पाई, ताप पाप बिन से मेरे भाई रहाओ। गुरु गोविंद दी किरपा दे नाल, उस परमात्मा दे रूप गुरु दी किरपा दे नाल, जिहड़े मनुख नूं उस परमात्मा दा नाम हासिल हो गया, उहदे अंदर ठंड पै जांदी है। उहदे सीने च, उहदे हिरदे च जो विकारां दी तृष्णावां दी तपश हुंदी है, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਪ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਿਨਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਰਸਨ ਵਖਾਣ, ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਣ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰੋਗ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਮ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਅਗਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ, ਉਸ ਅਪਹੁੰਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਮ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੱਲ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਵਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
समुद्र की सतह के उत्ते जो किश्ती जां कोई समुद्री जहाज चलता है तो वह उच्चा नीवा हुंदा ही जाता है। तो इस प्रकार ही साड़ी जिंदगी है, इहदे विच उतार चढ़ा हुंदे ही रहिंदे ने। समुद्र दियां छल्लां कोई बहुतियां दूर दूर नहीं हुंदियां, एक एक सैकंड दे समें दे विच उपर नूं जाण वाली छल आउंदी है, अगले सैकंड असीं नीचे नूं जा रहे हां। इस प्रकार ही साड़ी जिंदगी है, एक सैकंड असीं उपर नूं जा रहे हां, असीं चढ़दी कला च असीं खुश हैं, तो अगले ही सैकंड असीं थल्ले नूं जा रहे हां, असीं ढहिंदी कला च असीं दुखी हो जाने हां, निराश हो जाने हां। हुण जिन्नी किश्ती छोटी हुंदी है उन्निया ही वो छल्लां उन्हूं ज़्यादा प्रभावित करदियां ने, उन्नी ही वो किश्ती ज़्यादा डामाडोल हुंदी है, तो कई बार वड्डियां छल्लां नूं उह सहन भी नहीं कर पाउंदी, उल्ट जांदी है। तो साडी जिंदगी भी इस प्रकार ही है, साडा मानसिक लैवल जिन्ना ज़्यादा होशा है, साडी सोच जिन्नी कि छोटी है, जिंदगी दे उतार चढ़ा दियां जिहड़ियां छल्लां ने उह सानूं उन्ना ही ज़्यादा प्रभावित करदियां ने। तो कई बार एक ऐसी उतार चढ़ा आ जाती है कि असीं थिरक जाने हां, जिवें किश्ती पलटदी है असीं पलट जाने हां, साडी जिंदगी इक्के दम गोता खा जाती है, असीं उहदे चों उभर ही नहीं पाउंदे। तो ये चीज़ चंगे अते माड़े दोने तरह के अहसासां च लागू हुंदी है। जरूरी नहीं कि जेकर तुहानूं कोई दुख वड्डा आण पिया जिंदगी दे विच तां ही तुसीं थिरकदे हो, तां ही तुसीं डामाडोल हुंदे हो। कई वार असीं बहुत वड्डी खुशी आ जाण ते वी डामाडोल हो जाने हां, अपने स्टैंड तों थिरक जाने हां। साडी जिंदगी रूप किश्ती उच्ची छल आ जाण ते वी पलट जाती है, तो उस दे विच सब तो वड्डा जो हथियार साडे लई बणदा है, जो साडे विरुद्ध खड़ा हुंदा हथियार, वह हुंदा साडा हंकार। जदों असीं कोई उच्ची पदवी हासिल कर लैने हां तो खुशी दी गल है, पर उस खुशी दे समें च वी असीं थिरकदे हां, क्योंकि साडा हंकार आ जांदा है, सानूं इह लगण लग जांदा है कि मैं एक बहुत वड्डी प्राप्ति कर ली, कि हुण मैं बहुत ताकतवर हो गया, हुण नहीं मैनूं कोई हरा सकदा, मेरे कोल बहुत पैसा आ गया, हुण नहीं मैनूं परवाह किसे दी। इदां दा साडा सोचना ही सानूं थिरकाउंदा है। ते दूजे पासे जे साडी जिंदगी दे विच कोई बहुत वड्डा दुख आ गया, साडा कोई करीबी सानूं छड्ड के चल गया, मेरे ख्याल च इदू वड्डा दुख ते कोई हुंदा नहीं, उदों भी असीं थिरकदे हां, उदों असीं विचलित हो जांदे हां, निराश हो जांदे हां कि अजिहा क्यों हो गया, उहनूं सहन नहीं कर पाउंदे। कई वार अजिहे हालात भी हो जाते हैं कि असीं अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठते हैं। इस सारे कासे तो बचण लई परमात्मा का नाम साडे कोल जहाज के रूप च मौजूद है। समुद्र दियां छल्लां दे सामने एक छोटी किश्ती का वस नहीं चलता, पर जो बहुत वड्डे समुद्री जहाज हुंदे ने वह वड्डियां वड्डियां छल्लां नूं भी सर कर जाते हैं। परमात्मा का नाम साडे लई ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਮ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਗਈ ਵਿਆਦ ਉਭਰੇ ਜਨ ਮੀਤ। ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਨੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਈ ਵਿਆਦ ਭਾਵ ਵਿਆਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੋਗ, कि साडे जो रोग ने वो चले जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, तो असी उभर जाते हाँ, असी विकारां तो उपर उठ जाते हाँ। मन बच करम प्रभ अपना ध्याई, ये हदायत है कि अपने मन के नाल
अपने बचना दे नाल अते अपने कर्मा दे नाल उस परमात्मा नूं ध्याओ। नानक दास तेरी सरनाई, हे नानक उस परमात्मा दे अगे अरदास कर कि मैं तेरी शरण दे विच आ गया हाँ। असी अपने मन दे नाल उस परमात्मा दा जदो सिमरन करना है तो वह ये है कि उन्हूं चेते दे विच रखना है। जिंदगी दे विच कुछ भी करते हैं वह परमात्मा साढ़े चेते दे विचों भुलना नहीं चाहिंदा। एक एक पल दे विच वह परमात्मा साढ़े चेते दे विच होना चाहिंदा। इस प्रकार असी अपने मन नाल उस परमात्मा नूं ध्याउने हाँ। उस परमात्मा बारे जो सानू समझ है, उस परमात्मा बारे जो असी महसूस करते हैं, वह साध संगत दे विच बैठ के दूजिया दे नाल वंडना चाहिंदा, शेयर करना चाहिंदा। इस प्रकार असी अपने बचना दे नाल उस परमात्मा नूं ध्याउंदे हाँ। ते तीजी गल कर्म दे नाल उस परमात्मा नूं ध्याउणा। परमात्मा ने सानू सोझी बख्शी है, सानू इस गल का एहसास हुंदा है कि सही है की गलत है। ते नाल दी नाल सानू इस गल का भी एहसास हुंदा है कि जो सही है वह उस परमात्मा नूं चंगा लगता है। हालांकि वर्तदा सब कुछ उस परमात्मा की रज़ा दे विच ही है, ते उहदी रज़ा इत्थे आ जांदी है कि सानू कितनी क समझ उस परमात्मा ने बख्शी है। उस समझ अनुसार ही असी फैसले लैंदे हाँ, उस समझ के अनुसार ही असी जिंदगी दे विच कर्म करते हैं। किसी नू समझ घट हुंदी है, किसी नू ज़्यादा हुंदी है। कई बार मनुख नू इस गल का एहसास हुंदा है कि यह गलत है यह सही है, वह फिर भी गलत चुन लैंदा है, कई बार वह सही चुन लैंदा है। दोनों ही स्थितियां दे विच रज़ा उस परमात्मा की ही वरतदी है, पर साड़ी कोशिश फिर भी यही होनी चाहिए है कि असी सही वाले पासे नू जाइए, क्योंकि आखिरकार सही उस परमात्मा नू चंगा लगता है। सो अपने कर्मां दे नाल सानू परमात्मा ने सोझी बख्शी है कि असी सोच सकते हैं, एक सोचण शक्ति सानू उस परमात्मा ने दित्ती है। किस मनुख नू किन्नी क दित्ती है ये उहदी रज़ा है, पर जिन्नी क भी दित्ती है असी उहनूं वरत के सही चुनीए। जदों दो ऑप्शनां साडे कोल हन, दो विकल्प ने कि एक सही कर सकते हाँ एक असी कुछ गलत कर सकते हाँ, तो असी सही वाला चुनीए, गलत वाला ना चुनीए। इस प्रकार असी अपने कर्मां दे नाल उस परमात्मा नूं ध्याउंदे हाँ। सो मन बच कर्म, अपने मन नाल अपने बचना दे नाल ते अपने कर्मां दे नाल उस परमात्मा नूं असी ध्याईए। गौड़ी महला पंजवां, नेत्र प्रगास किया गुरदेव, भरम गए पूरन भई सेव रहाओ। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, जिस मनुख दियां आत्मक अखां नूं तू ज्ञान रूपी चानण बख्श दिता, नेत्र प्रगास किया गुरदेव, भरम गए पूरन भई सेव, उहदे भरम दूर हो जांदे ने, उहदे वहम दूर हो जांदे ने, उहदी कीती हुई सेवा सिरे चढ़ जांदी है। सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ किरपा धारी। बिहारी शब्द उस परमात्मा दे लई वरत्या गया है, ते इहदा अर्थ है सुंदर प्रभु। ते जो सीतला शब्द है ये चेचक की बीमारी दे लई वरत्या गया है, जिन्हों आम भाषा दे विच असी माता निकलनी कह दिंदे हाँ। उन्हां समयां दे विच ते शायद किते ना किते अज भी जदों किसी मनुख नूं ये चेचक की बीमारी हो जाती है, माता निकल आउंदी है, तो उदों सीतला माता की पूजा की जाती सी, ते ए आस की जाती सी कि सीतला माता इस बीमारी तो मनुख नूं छुटकारा देवेगी। इस सारे वृतांत नूं मुख रखते हुए ये शब्द गुरु जी ने लिखिया है, ये पिछे थोड़ा जिहा इतिहास है। 16वीं सदी के अखीर वल नूं पंजाब दे विच चेचक की बीमारी का काफ़ी जोर पै गया सी। ते उस समय के दौरान ही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म होया सी। गुरु अर्जन देव जी बीमारी वाले इलाकियां दे विच पीड़ितां दी मदद करन दे लई जांदे सन, ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं भी नाल लैके जांदे सन। ते इसे वरतारे दे दौरान ही गुरु हरगोबिंद जी नूं चेचक दी बीमारी हो गई। तां उहनां दे आंढ गुआंढ दीआं जो कुछ इस्त्रियां सन उह कह रहीआं सन कि सीतला माता दी पूजा कीती जाए तां कि हरगोबिंद जी नूं इस बीमारी तों छुटकारा मिल सके।
उस वक्त गुरु जी ने यह शब्द उचारिया सी कि सीतला ते रखिया बिहारी, कि सीतला माता तो उपर वह परमात्मा बैठा है। इस सीतला तो, इस चेचक तो वह परमात्मा ही बचा सकता है, उस तो उपर कोई नहीं, जा उदी बराबरी का होर कोई नहीं, कोई देवी कोई देवता उस परमात्मा की बराबरी का नहीं। इस संदर्भ दे विच यह शब्द लिखा गया है कि उस पार ब्रह्म परमात्मा ने अपनी कृपा दे नाल इस बीमारी तो छुटकारा दवाया है। नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। हे नानक, जिहड़ा मनुख बाकी दे सारे आसरे छड के सिर्फ उस परमात्मा दा नाम जपदा है, उही उच्ची आत्मक अवस्था हासिल करदा है। ते ओ मनुख फिर साध संगत दे विच जुड़ के अमृत रूप उस परमात्मा दा नाम रस पींदा रहिंदा है। गौड़ी महला पंजवां, धन ओह मस्तक धन तेरे नेत, धन ओए भगत जिन तुम संग हीत। कि ओ मत्था भागां वाला है जिहड़ा उस परमात्मा दे दर ते न्यौंदा है, जिहड़ा उस परमात्मा नूं सिजदा करदा है। ओ नेत्र धन हन, भागां वाले हन जिहड़े उस परमात्मा दे दीदार दे विच मस्त रहिंदे हन, जिन्हां नूं दुनियावी चीज़ां तक के ओ आनंद नहीं आउंदा जिहड़ा उस परमात्मा नूं तक के आउंदा है। पर हुण गल इह है कि परमात्मा दा कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, तां उहनूं तक किवें सकदे हां? उहनूं असीं अपने मन दीआं अखां नाल ही तक सकते हाँ, यह महसूस ही कर सकते हाँ कि असी उस परमात्मा नूं तक लिया है। धन ओए भगत जिन तुम संग हीत, कि ओ भगत ओ सेवक धन हन जिन्हां दा तेरे नाल प्यार है। नाम बिना कैसे सुख लहीऐ, रसना राम नाम जस कहीऐ रहाउ। कि परमात्मा दे नाम तो बिना सुख किवें प्राप्त किया जा सकता है? इत्थे ये सवाल उस प्रकार नहीं पूछा गया कि जिहदा कोई उत्तर देवे कि एवें हासिल किया जा सकता है, बल्कि इस सवाल दे राही ये दर्शाया गया है कि परमात्मा दे नाम तो बिना सुख हासिल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा दे नाम तो इलावा होर तरीकों के नाल जिहड़े असी सुख प्राप्त करते हैं वह अस्थाई होंदे ने, वह बहुत थोड़े चिरे होंदे ने, थोड़ी देर च ही खत्म हो जाते हैं। असी फिर दुखी हो जाते हाँ तो वह जो लैवल है वह जीरो ते ही बनया रहिंदा है। अज थोड़ा जिहा सुख आया असी खुश हो गए, कल नूं थोड़ा दुख आया असी दुखी हो गए, तो हासिल की किया कुछ भी नहीं। जो सुख नाल हासिल किया सी वह दुख नाल गवा लिया, गल जीरो ते आ गई। पर जो परमात्मा दे नाम चों असी सुख हासिल करते हैं वह स्थाई हुंदा है, वह उपर नूं ही जांदा है, वह नीचे नहीं आउंदा, वह वधदा ही जांदा, आनंद वधदा ही जांदा है। इसे लई रसना राम नाम जस कही है, सानू अपनी रसना दे नाल अपनी जीव दे नाल उस परमात्मा दा जस गाउणा चाहिंदा है, उहदी सिफत सलाह करनी चाहिंदी है। तिन उपर जाइया कुरबान, नानक जिन जपिया निर्वाण। निर्वाण तो भाव वासना रहत, कि हे नानक उहनां तो कुरबान जाणा चाहिंदा है जिन्हां ने उस परमात्मा दा उस वासना रहत प्रभु दा नाम जपया है। गौड़ी महला पंजवां, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार समाल। मसलत तो भाव सलाहकार, कि हे परमात्मा तू ही मेरा सलाहकार है, तू ही सदा मेरे नाल है, तू मेरा राखा भी है, ते तू सारे जीवां दी सांभ संभाल भी करदा है, उन्हां दी सार लैंदा है। ऐसा राम दीन दुनी सहाई, कि जो राम है जो परमात्मा है वह ऐसा है कि दीन दे विच भी ते दुनी दे विच भी, भाव लोक दे विच भी अते परलोक दे विच भी साडा सहाई बनता है। दास की पैज रखा मेरे भाई रहाओ, कि हे मेरे भाई वह परमात्मा अपने दासां दी सदा इज्जत रखता है। आगै आप इहो थान वस जाकै, आठ पहर मन हर कौ जापै। जिहड़ा परमात्मा इस लोक दे विच साडे नाल है, साडी रख्या करदा है, वह अगे भी परलोक दे विच भी साडा राखा है। इसे लई
मैं अठे पहर उस परमात्मा दा नाम जपदा हाँ। पत परवान सच निशान जाको आप करे फरमान। जिस मनुख दे लई, जिस जीव दे लई ओ परमात्मा खुद हुक्म करता है, उस जीव नूं उस परमात्मा दे दर ते इज्जत भी मिलती है, ओ जीव उस परमात्मा दे दर ते प्रवान भी हो जाता है। तो अपने जीवन दे सफर दे लई जो राहदारी है, जो खर्चन दे लई पूंजी है, वह भी वह परमात्मा आप बख्शदा है। आपे दाता आप प्रतपाल, जो परमात्मा है आप दाता भी है, प्रतपाल भी है, दाता बख्शन वाला भी है ते सानू पालन वाला भी है। देखो जद कोई बच्चा है तो माँ प्यो का फर्ज बनता हुंदा कि उस बच्चे नू ओह लोड़ींदियां चीज़ां भी देन ते उहदी सांभ संभाल भी करन। उहनू खाण लई भोजन चाहिंदा है, माँ प्यो का फर्ज है कि वह बच्चे नू खाण लई भोजन देन, पीण लई पदार्थ देन, खेडण दे लई खिडौणे देन, उहनू चंगी सिक्ख्या देन, उहनू पढ़न लिखण का अवसर देन, जिंदगी च अगे वधण दे मौके देन, पर नाल दी नाल उहदी सांभ संभाल भी करन। जद ओह आप कुछ करन दे असमर्थ है तो माँ प्यो उहदी सहायता करदे ने। जद छोटा बच्चा हुंदा है उन्हूं नहीं पता कि किवें अपने आप नूं साफ रखना है, माँ प्यो साफ रखदे ने, ते उही गल जो है परमात्मा ते लागू हुंदी है कि जो परमात्मा है सानूं दाता भी बख्शदा है, सानूं जीवन दे विच पदार्थ भी बख्शदा है ते नाल दी नाल साडी रखिया भी करदा है, साडा पालन पोषण भी करदा है। जद कोई मनुख बीमार हो गया तां उहनूं दवाई दी लोड़ पैंदी है, असीं दवाई दिंदे हाँ। दवाई किन्ने बनवाई? उस परमात्मा ने। असीं कहण नूं कह दिंदे हाँ कि विज्ञानियां ने दवाई बनाई है, पर उस दवाई नूं बनाउण दी समझ उहनां कोल कित्थों आई? इह जो ब्रह्मंड इन्ना वड्डा सिरजिया गया है, हौली हौली प्रगति हुई है, हौली हौली नवीं तों नवीं चीज़ां दीआं काढ़ां होईआं ने, नवें नवें फलसफे इस दुनिया दे विच आए ने, नवीं तों नवीं सोच खड़ी हुई है, यह सब उस परमात्मा दा ही वरतारा है। सो जो असी दवाई वाली उदाहरण लई सी कि उस परमात्मा ने दवाई बनवा दिती, असी दवाई लै लई, तां वह दवाई साडे लई उहदी दात है। उस दवाई ने साडे अंदर जाके कम किस प्रकार करना है, ये उस परमात्मा दी साडे लई पालण है, पालन पोषण है कि वह इस गल नूं निर्धारित करदा कि यह दवाई साडे अंदर जाके कम किवें करेगी, साडी जो बॉडी है, साडा जो शरीर है, वह इस दवाई नूं किवें रिस्पोंड करेगा। सो वह दवाई है उस परमात्मा दी दात है, वह भी उन्हें ही बख्शी है, उन्हें अंदर कम किवें करना है यह भी उस परमात्मा ने ही निर्धारित किया होया है। सो आपे दाता आप प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। इस पर इसे लई हे नानक, उस राम दा नाम, उस परमात्मा दा नाम अपने हिरदे दे विच सदा संभाल के रख। गौड़ी महला पंजमा, सतगुर पूरा भया किरपाल, हिरदै वसिया सदा गोपाल। जिस मनुख दे उपर सतगुरु किरपाल हो जाता है, पूरा गुरु अपनी दया करता है, अपनी किरपा करता है, किरपा वरसाउंदा है, उस मनुख दे हिरदे दे विच उस गोपाल ओ परमात्मा सदा ही वसिया रहिंदा है। राम रवत सद ही सुख पाया, उस परमात्मा दे नाम दे विच जद तक असीं रमे रहिंदे हाँ, जद तक असीं अपनी सोच नूं अपने आप नूं उस परमात्मा दे विच लीन कीता होया है, उदों तक असीं सदा ही आनंद की प्राप्ति करते हाँ। मया करी पूर्ण हर राया रहाओ, तो एक किरपा साढ़े ते उस संपूर्ण गुरु ही करता है। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्थिर सुहाग। अस्थिर भाव के सदा कायम रहन वाला, जिहड़े मनुख के मत्थे दे उपर पूरे भाग जाग पैंदे हन, उनू परमात्मा स्थिर रहन वाले सुहाग दे रूप विच प्राप्त हुंदा है। वह सुहाग जिहड़ा कदे भी खुसदा नहीं, उस मनुख दे लई परमात्मा दा नाम सदा कायम रहन वाला खसम बन जाता है।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 200ਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 100ਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ 12-13 ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਟਾਫਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।